हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विकी क्रिएशन। मैं आपका अपना दोस्त विकी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की न्यू मूवी स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक के बारे में। दोस्तों ये मूवी G5 पर आज रिलीज कर दी गई, जिसे जाके आप एक बार आराम से जरूर देख सकते हो, जरूर देखने चाहिए। इतनी कमाल की इसकी मूवी है दोस्तों, इतनी बढ़िया इसकी स्टोरी है। इसके लीड रोल में दोस्तों आपको अक्षय खन्ना, गौतम रोडे, विवेक दहिया जैसे स्टार देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हुए एक आतंकवादी हमले के ऊपर में आधारित है। दोस्तों इस मूवी का जो निर्देशन है वो किया केन घोष ने, और ये 9 जुलाई को रिलीज कर दी गई है। दोस्तों इस मूवी को आपको एक बार आराम से जरूर देखना चाहिए। दोस्तों इस मूवी की जो स्टोरी है वो शुरू होती है गुजरात के अक्षरधाम मंदिर से। दोस्तों उस मंदिर के अंदर में कई सारे परिवार अलग अलग कामों से अपने शुभ देव भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं दोस्तों वो वहीं मंदिर के आसपास रहते हैं और कुछ लोग मंदिर के अंदर में भी रहते हैं। दोस्तों अचानक से वहां पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है, और लोग इस हमले से कैसे बचते हैं, क्या क्या उनको परेशानियाँ होती हैं, और कितने लोग वहाँ पे अपनी जान गंवाते हैं, और NSG दोस्तों कैसे इसे एंगेज होकर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। दोस्तों कैसे लोग मजबूर हो जाते हैं मंदिर के अंदर में वो देशद्रोह के लिए, इन तमाम पहलुओं को दोस्तों ये फिल्म इतनी बारीकी से दिखाती है, इतनी बखूबी दिखाती है। दोस्तों फिल्म में एक्शन है, इमोशन है, दर्द है, और देशभक्ति की भावना तो बहुत ही गजब की देखने को मिलती है। दोस्तों ये फिल्म आपको हैरान करती है, आपको चौंकाती भी है, और जब आप सोचते हैं कि ये आगे क्या होने वाला उस टाइम दोस्तों आपको एकदम से उल्टा ही होना दिखाई देता है। दोस्तों अचानक से होने वाले एक्शन सीन्स आपको एकदम से हैरान कर देते हैं, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस स्थिति को NSG कमांडो कैसे संभालते हैं, जो कि दोस्तों इसमें अक्षय खन्ना जो NSG को लीड करते हैं वो अपनी जान को जोखिम डाल के मंदिर के अंदर में पहुंचते हैं, और उन लोगों को दोस्तों वो कैसे छुड़ाते हैं, कैसे उन पर हमले होते हैं, आतंकवादी उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको अंदर में एक शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर एक देशभक्ति होनी चाहिए, जो कि इसमें अक्षय खन्ना ने दिखाई है। दोस्तों अक्षय खन्ना अपनी जान जोखिम में डाल के मंदिर के अंदर जाते हैं, सारे जो अपने NSG के ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं उनको दरकिनार करके अंदर जाते हैं, और क्या वो अंदर से बचकर वापस निकलेंगे जिंदा, या वो अंदर में ही रह जाते हैं। दोस्तों अगर अभिनय की बात करूं तो अक्षय खन्ना ने हर बार की तरह इस बार भी अभिनय की अपने छाप छोड़ दी है। वहीं गौतम रोडे अपने छोटे से रोल में दोस्तों गजब के लगे हैं। उनका जो किरदार है मेजर समर का, जिससे और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, क्योंकि उनकी वाइफ माँ बनने वाली होती है और उन्हें उसे छोड़कर मिशन पर जाना होता है, मगर दोस्तों ऐसा लगा कि उसके सीन में थोड़ा और बड़ा करके और इमोशन एंगल दिया जा सकता था। दोस्तों विवेक दहिया का काम भी बहुत ही बढ़िया है। एक सीन में वो उस महिला को देखते हैं जिसका पति, माँ और पति पिता उसके हमले में मारे जाते हैं। उस समय एक नए NSG कमांडो के चेहरे पर जो मायूसी का इमोशन देखने को मिलता है वो विवेक ने इतने अच्छे से दिया है कि वो ये आपको एकदम दिमाग में रह जाएगा। दोस्तों केन घोष ने निर्देशन पर कमांड बरकरार रखी है, और एक अच्छे से अच्छी फिल्म आपको देखने के लिए उन्होंने सौंपी है। बहुत ही कमाल की ये मूवी है दोस्तों, इसमें बहुत ही इमोशन है, दर्द है, कैसे वो मंदिर में पहुंचते हैं, कैसे आतंकवादी इस मंदिर के ऊपर हमला करते हैं, कैसे वो लोगों के अंदर से बाहर निकालेंगे, बचाएंगे, ये सब देखने के लिए दोस्तों एक बार सीधा G5 पर जाके ये मूवी देखिएगा। बहुत ही कमाल की है, बढ़िया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।